टेबल में काम करने के लिए यह डो मिक्सर बहुत बेहतरीन काम करती है, क्योंकि आटा गूंथने के बाद ही तो पानी पूरी तैयार होंगे। इस डो नीडर में आटा डालने के बाद मशीन ऑन कर दीजिए और साथ ही में पानी भी डालते जाइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका बाउल रोटेट कर रहा है, तो मिक्सिंग करने के लिए आप इसे थोड़ा सा पकड़ सकते हैं। हालांकि लॉक करने का पूरा ऑप्शन दिया जाता है, अभी हम इसे लॉक कर देंगे। पानी डालते समय एक चीज़ ध्यान रखें कि एक साथ न डालें, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके डालें, जिससे कि आटा अच्छी तरीके से गूंथ जाए। अब इसमें फिर से पानी डाल दीजिए। वैसे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग आटा गूंथ चुका है। इसके साथ ही में ऑयल भी ऐड कर दीजिए, इससे पानी पूरी का स्वाद और बेहतरीन हो जाएगा। ऑयल डालने के बाद लॉक कर दीजिए। अभी आपको सिर्फ 5 मिनट का वेट करना है, क्योंकि 5 किलोग्राम आटा गूंथने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। कंपनी में आपको और भी मॉडल की मशीन्स मिल जाएंगी। यदि आप चाहें तो 5 किलोग्राम कैपेसिटी से लेके 50 किलोग्राम कैपेसिटी तक ले सकते हैं। 5 किलोग्राम आटा गूंथने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट समय लग जाएगा, लेकिन वहीं पर यह मशीन बिना किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट में गूंथ कर रेडी कर देगी। इसमें आप देख सकते हैं 0.5 HP का मोटर लगा हुआ है, जिससे कि यह मिक्सर चल रहा है, और इसकी पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील 304 से डिजाइन की गई है, जिससे कि जंग वगैरह लगने की इन फ्यूचर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे आप देख सकते हैं कि गूथा हुआ आटा एकदम से रेडी हो गया है। बताइए इसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छे से गूथा है कि नहीं गूथा है। आटा गूथने का काम तो यह मशीन ईजी कर रही है, लेकिन मेन मेहनत तो पानी पूरी बनाने में लगती है। बताइए लगती है कि नहीं। तो इसी मेहनत भरे काम को ईजी करने के लिए हम यह कॉम्पैक्ट साइज की पानी पूरी मेकिंग मशीन लेकर आए हैं। इसे चमुंडे इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया गया है। इसका मॉडल आप देख सकते हैं। अभी तक हमने आपको जितनी भी मशीन्स दिखाई हैं, उन सभी से इसका मॉडल अलग है। इसमें आपको करना ही क्या है, बस यहाँ गूथा हुआ आटा डालने के बाद नीचे से मशीन ऑन कर दीजिए। अभी आप चाहें तो कुर्सी लगाकर बैठ भी सकते हैं, और यहाँ देखिए पानी पूरी की कटिंग होना स्टार्ट हो गया है। ऊपर साइड 2 रोलर लगे हुए हैं, ये सबसे पहले गूथे हुए आटा का बेलन करते हैं। इसमें आप चाहें तो थिकनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आप कितने थिकनेस में पानी पूरी बनाना चाहते हैं। यदि आप मोटी पानी पूरी बनाना चाहते हैं तो मोटी बना सकते हैं, यदि आप पतली पानी पूरी बनाना चाहते हैं तो वो भी सेट करके बना सकते हैं। बेलन होने के बाद नीचे साइड कटिंग डाई लगी हुई है, आपको शायद दिख नहीं रही होगी। ये डाई लगातार पानी पूरी की कटिंग कर रही है, और यहाँ ऊपर साइड से आप देख सकते हैं कि पानी पूरी कटिंग होने के बाद कन्वेयर बेल्ट में आ जाती है। इसका आप साइज देखिए, जितनी भी पानी पूरी तैयार हो रही हैं सभी का साइज एकदम बराबर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई पानी पूरी छोटी है तो कोई पानी पूरी बड़ी, और सभी का थिकनेस भी एकदम बराबर है। जितना आप सेट करेंगे मशीन उसके बेसिस पर ही पानी पूरी तैयार करेगी। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होता है। कटिंग होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा सीट निकल रही है ये पीछे जाकर कलेक्ट हो रही है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस चीज़ का टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिएगा कि आपका थोड़ा भी मटेरियल वेस्ट होगा। मशीन फुली ऑटोमेटिक वर्क कर रही है। इसमें 1 HP का मोटर लगा हुआ है, और इसे चलाने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंगल फेज कनेक्शन में ही मशीन चला सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि यदि आपके पास कोई अलग से जगह नहीं है तो आप अपने घर पर ही मशीन लगाकर स्टार्टअप कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस की शुरुआत घर से ही होती है, और धीरे धीरे वो कंपनी में बदल जाती है। तो यदि आप कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इस मशीन को लीजिए, क्योंकि इसका रेट बहुत ही कम है। सबसे खास चीज़ तो ये है कि कॉम्पैक्ट मशीन है। इसका लेंथ 19 इंच, विड्थ 20 इंच, और यदि हाइट देखा जाए तो सिर्फ 30 इंच है, तो आपके घर में भी आसानी से आ जाएगी। वेट भी सिर्फ 110 किलोग्राम है, तो 2 से 3 लोग मिलकर इजिली उठाकर कहीं भी रख सकते हैं। यदि इसके प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए तो 1 घंटे मशीन चलाकर आप 5000 पानी पूरी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 5000 पानी पूरी सिर्फ 1 घंटे में। हमारे घर के आसपास जो पानी पूरी वाले होते हैं उनसे आप जाकर पूछिएगा कि 1000 पानी पूरी बनाने में उनको कितना समय लगता है। आपको सुनने में यही आएगा कि पूरा दिन का समय लगता है, और साथ ही में पूरे फैमिली मेंबर्स मिलकर बनाते हैं, तब जाकर 1000 पानी पूरी तैयार होती है। वहीं पर यदि इस मशीन की बात की जाए, यह मशीन 1 घंटे में 5000 पानी पूरी तैयार कर देगी। तो आप अपनी खुद की पानी पूरी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर या फिर ठेले वाले हैं उन्हें आप अपना कस्टमर बना सकते हैं। यदि आप पूरा दिन मशीन चलाते हैं तो आप 1,00,000 पानी पूरी भी तैयार कर पाएंगे, और आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पानी पूरी वाले हैं उन्हें आप सेल कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े लेवल में वर्क करना चाहते हैं। ये जो पानी पूरी तैयार हो रही है, आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, जिस तरह हाथों से बनाते हैं सेम उसी तरह की तैयार हो रही है। और ये इशू बिल्कुल नहीं आएगा कि पानी पूरी फूलेगी नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हम हाथों से पानी पूरी बनाते हैं लेकिन वो फूलती नहीं है। अभी आप देखिएगा ये जो पानी पूरी तैयार हो रही है ये कैसे फूलेगी। जितनी भी पानी पूरी कटिंग की गई है बस यहाँ कढ़ाई में डाल दीजिए और छन्ने के माध्यम से चलाते जाइए। वैसे आप चलाने का तरीका देख सकते हैं किस तरह से फ्राई हो रहा है। छन्ना चलाते जाइए, पानी पूरी अपने आप फूलना स्टार्ट हो जाएंगी। गैस का फ्लेम बहुत हाई न रखें बल्कि मीडियम में रखें, इससे अच्छी क्वालिटी की पानी पूरी तैयार होगी और अंदर तक फ्राई हो जाएगी।
जब तक इसका कलर गोल्डन न हो जाए तब तक चलाते जाइए। यदि आप नहीं चलाएंगे तो एक साइड पक जाएगी और एक साइड कच्ची ही रह जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं एकदम फूली हुई पानी पूरी तैयार हुई है। एक भी पानी पूरी ऐसी नहीं है जो कि फूली हुई ना हो। 100% मैं ना कहूँ कि 1-2% पानी पूरी ना फूले, बाकी सभी पानी पूरी फूली हुई तैयार हुई है। अब इसे फिर से डाल रहे हैं। वैसे आप देख सकते हैं कि फ्राई करने में बहुत समय नहीं लगता है। एक बैच में लगभग 30 से 40 सेकंड का समय लगता है, सिर्फ 30 से 40 सेकंड। मेन मेहनत तो बेलन करके उसकी छोटी छोटी पीस कटिंग करने में आती है। तो अब आपको उसके लिए भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जो पानी पूरी मेकिंग मशीन लेकर आए हैं उसका यूज़ करके आप कुछ ही घंटों में हज़ारों पानी पूरी तैयार कर पाएंगे। उसके बाद बात आती है फ्राई करने की। तो फ्राई करने में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप कढ़ाई में डालकर चलाते जाइए, पानी पूरी फ्राई होती जाएंगी। एक दिन मैं कमेंट रीड कर रहा था तो आपने कमेंट किया था कि सर हमने बहुत ट्राई किया लेकिन पानी पूरी फूल नहीं रही है। इसका तो एक रीज़न हो सकता है कि शायद आपसे पानी पूरी बनाते ना आ रही हो, या फिर ये हो सकता है कि आपने आटा अच्छे तरीके से गूंथा ना हो। यदि आप रेसिपी जानना चाहते हैं तो नीचे कंपनी का नंबर दिया गया है। आप मशीन के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी में पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी भी पूछ सकते हैं। अधिक समय तक फ्राई करेंगे तो एकदम क्रिस्पी पानी पूरी तैयार होगी। आप इसकी क्वालिटी बताइए, एकदम क्रिस्पी पानी पूरी तैयार हुई है कि नहीं। यहाँ देखिए बिल्कुल क्रिस्पी पानी पूरी तैयार हो रही है, एकदम कुरकुरी। मशीन ऑपरेट करने के लिए आपको वर्कर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो अकेले ही मशीन ऑपरेट कर सकते हैं। कंपनी में बहुत सारी मशीन्स अवेलेबल हैं। यदि आप चाहें तो पूरी, थेपला, मोमोज, पूरी, पापड़ के साथ बहुत सारी चीज़ें बनाने की मशीन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप मशीन चला सकते हैं। बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मशीन ऑपरेट करके हज़ारों लाखों पानी पूरी बना सकते हैं। एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, इस चैनल में देखा जाए तो चाहे पानी पूरी बनाने की छोटी बड़ी सेमी ऑटोमेटिक या फिर फुल ऑटोमेटिक मशीन्स हो, डेयरी मशीन्स हो, एग्रीकल्चर मशीन हो, हर तरह की छोटी बड़ी मशीन्स अवेलेबल है। तो स्क्रीन में दिख रहे लोगों पर क्लिक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में नहीं करना है, अभी करना है, क्योंकि ये सभी मशीन्स आपके फूड बिजनेस में 10 गुना ग्रोथ दे सकती हैं। तो एक बार जाइए और विजिट करिए। ये मत सोचिए कि वीडियो खत्म हो गई है, अभी मिलता हूँ स्क्रीन में दिख रहे इस नई और शानदार बर्फी मेकिंग मशीन वीडियो में।